बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। ये 400 ग्राम चने की दाल है। मैंने पहले भिगोई थी इसको 1 से 2 घंटे, फिर उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया, फुल बॉईल नहीं किया। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, ठीक है। अब इसमें से स्टीम निकल रही है, आप देख सकते होंगे। अभी जब ये स्टीम इसकी ख़त्म हो जाएगी, इसमें से भाप निकालना, तब मैं इसको पीसूँगी। और ये इसका पानी निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये पीसी गई है दाल, मैंने इसको चॉपर में डाल के पीस लिया था, ठीक है। और अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं हलवा बनाने की तैयारी। यहाँ मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें चंद इलायची कुटी हुई के दाने हैं, ये कूट लिया मैंने। और देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी, ऑयल में भी। मैं इस टाइम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 1 कप के क्रीम तक तकरीबन मैंने ऑयल डाल ली है, ठीक है। और लो फ्लेम पे है। ये देखिए, 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल लिया इसमें। और इलायची के 4-5 दाने कूट के डाल लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ ये कुटा हुआ पिसा हुआ दाल का मटेरियल। ये देखिए, इस सब ऐड कर दिए इसमें। लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। हम इसको भूनते जाएंगे, गोल्डन करेंगे, अच्छा सा गोल्डन करेंगे। अभी तो डाला है, इसको भूनना ही असल इसकी मेहनत है और इसकी तैयारी है। टेस्ट ही इसका तब निकलेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ बॉईल करके दैट्स इट इसको वो किया था, पीसा था। अब 7 से 8 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ दूध गरम। नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट गरम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो भुनाई में है और गरम है। ये 1 मग तकरीबन, दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी दूध को इसमें खुश्क होने देंगे। अब यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक आप शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने कंडेंस मिल्क को ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, तो ये पाउडर शुगर है। 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी फुल भर के, दैट्स इट। और साथ ही ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है, ये देखिए। अब ये देखें, कलर चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। अब हम तब तक इसको भूनेंगे मज़ीद जब इसका ऑयल और ये अलग बर्तन हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल बाद में ऐड किया था। और अब देखें, ये पकने के मरहल में आ चुका है, तैयार हो रहा है। अब इसको मैं इसमें किशमिश ऐड कर दिया मैंने। देखिए जी, ऐसे ऐसे घी छोड़े हलवा। और अब मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है, थोड़ा सा घी भी ऐड किया था मैंने मज़ीद। बस इसमें 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद दैट्स इट। मैं इसकी फ़ाइनल लुक फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है इसकी फ़ाइनल लुक चने की दाल के हलवे की। ज़बरदस्त सी, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं सर्दियों में स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।